अस्सलाम वालेकुम। बारबाडोस एपिसोड 20 में एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरी चेंज किया गया है। कालिमनोस कैसल जो दिखाया गया है कि ऑटोमंस ने कब्जा कर लिया है, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ एपिसोड ज़बरदस्त था एंड अब रेटिंग भी बढ़ चुकी हैं। कालिमनोस जो कॉन्कर किया है ऑटोमंस ने, ये हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है। जस्ट आप एक बार सोच के देखो, 1522 में कैप्चर किया था ऑटोमंस ने और ये दिखा रहे हैं इस टाइम पे, ये चल रहा है लगभग 1500 चल रहा है इस टाइम, एंड ये कितने मतलब 22 इयर्स बाद की चीज़ पहले दिखा दी है इन्होंने। कालिमनोस उरुज रईस की मौत के 4 साल बाद कब्जा किया गया था एंड इसमें हिजर हरेद्दीन इन्वॉल्व नहीं थे, और मेसी पाशा उस जीत के 21 साल पहले मर चुके थे। मतलब 1501 में उनकी मौत हो गई थी एंड 1522 में कब्जा किया था ऑटोमंस ने। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बेजिद 1 का टाइम दिखा रहे हैं अभी बारबरोस में, एंड कालिमनोस सुलेमान द मैग्निफिशिएंट के टाइम पे कैप्चर किया गया था। तो मतलब सोचो कितना गलत ये सीरीज़ में चल रहा है, हिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है। एंड एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि अब इनके आगे का प्लान क्या है, एक बार आप सोच के देखो। या तो ये अब कालिमनोस दिखाएंगे ही नहीं, या फिर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि अब ऑटोमंस ने कब्जा कर लिया। रियलिटी से ये बहुत दूर जा चुका है एंड अगर इसको फिर से ट्रैक पे लाना है तो ऑटोमंस की हार दिखानी पड़ेगी और फिर से रोड्स कब्जा कर लेंगे इस आइलैंड पे, जो एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट होगी ओटोमन एम्पायर के लिए एंड पूरे टर्की के लिए। एंड ऐसा दिखाएंगे तो हिस्ट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमंस ने 1522 में कब्जा किया था, उसके काफ़ी साल बाद वो इस कालिमनोस आइलैंड पर हारे थे, और यहाँ पे 1500 में दिखा रहे हैं कब्जा एंड उसके बाद इनको हराना पड़ेगा, मतलब ऑटोमंस को हरवाना पड़ेगा जानबूझ के, वरना हिस्ट्री गलत हो जाएगी। वैसे एक चीज़ सही है कि कालिमनोस पे अटैक करते रहते थे ऑटोमंस लेकिन कब्जा नहीं कर पाते थे, लेकिन फाइनली 1522 में उन्होंने कैप्चर कर लिया था कालिमनोस आइलैंड। ये गलती छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी गलती है एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बारबरोस टीम से कि अब ऐसी गलतियाँ कोई ना हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है तो ज़रूर बारबरोस के चैनल पर जाके कमेंट कीजिए एंड आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।